चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सेशन में एक बार सभी जुड़ जाएंगे। चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, ये बात करना। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी जुड़ेंगे एक बार सेशन में। चलिए फटाफट जुड़ जाएंगे। आज मैं डिस्कस करने वाला हूं, दैट टॉपिक इज मशीन, एक ग्रंथ जिसका पार्ट टू होने वाला है। इससे पहले मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था, दैट इज ट्रांसफॉर्मर। तो मैं सारी चर्चा करूंगा, क्या हमने पहले पास्ट में कर लिया है, क्या प्रेजेंट में करना और क्या हमारे फ्यूचर्स टारगेट होंगे। सो फटाफट सेशन में आप सभी जुड़ेंगे। ओके, फटाफट सभी एक बार जुड़ जाएंगे आप सभी। ओके, फटाफट जुड़ेंगे, फटाफट सभी जुड़ जाएंगे एक बार। ज्यादा ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे और ज्यादा ज्यादा बच्चे लाइव भी रहेंगे, ज्यादा ज्यादा बच्चे सभी लाइव रहेंगे। चलिए, आज मैं देख रहा हूं डीसी मशीन जो है इसका पहला लाइव लेक्चर होगा हमारे लिए, पहला लाइव लेक्चर, और ये एग्जाम तक चलेगा जी। हमारा ध्यान रखें सभी, आरआरबी के को ध्यान में, आरआरबी के अपकमिंग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए हम इन चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि इन पेपर को अगर डीसी मशीन में स्टार्ट करूंगा तो लास्ट तक चलेगा, जैसा कि हमारा मशीन चला था। ओके, चलिए सभी जुड़ रहे हैं। डेली टाइमिंग क्या है मैं बता दूं, डेली की जो टाइमिंग होगी इस क्लास की, एक सेकेंड, आजकल यूट्यूब भी हद से ज्यादा ऐड करने लगा है। चलिए, मैं अगर बात करूंगा इस क्लास की जो टाइमिंग होगी, बहुत कम टाइम गवाएंगे यहां पर बात करने में, है ना। इसकी जो टाइमिंग होगी वो डेली 11:05 पे होगी। डेली यहां पे इसकी जो टाइमिंग होगी ना, वो क्या होगी, 11:05 पे। ओके, सो डेली आप लोग इसी टाइम पे लाइव रहेंगे, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक कनेक्ट हो पाए। सबसे पहला कि आज का किस तरीके से क्लास आगे चलेगा और किस तरीके से पढ़ाने का हमारा मोड रहेगा। टोटल सेशन लाइव होंगे, आप लोग कोशिश करिएगा लाइव ही रहने का। हो सकता है कि अपकमिंग क्लास, कुछ क्लास तो आपको रेगुलर मिलेंगे, अपकमिंग प्राइवेट हो जाए तो आप लोग लाइव जुड़े रहेंगे, लाइव क्लास के को ही अटेंड करेंगे। ओके, मुझे लगता है, चलिए सुमित, पंकज, कार्तिक, संदीप, रंजन, ओके, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनको पता है पहले का सेशन और अब अपकमिंग सेशन को वो कंटिन्यू करने जा रहे हैं। सर, लाइव क्लास यूट्यूब में अवेलेबल रहेंगे, कोशिश करिएगा लाइव रहने का। ये कुछ दिनों के बाद प्राइवेट हो जाया करेंगे। ओके, सो आप लोग लाइव अटेंड करेंगे। सबसे पहले बात की सर, डीसी मशीन के अंदर जो है हम अपना पढ़ने का जो तरीका होगा वो बिल्कुल, आपको पता है एनिमेटेड वर्ड में चीजों को पढ़ते हैं और पिक्चर के साथ पढ़ते हैं। हम कंटेंट को लिखने में यकीन नहीं रखते हैं, उसको समझाने में, एक्सप्लेन करने में, वीडियो का रिप्रेजेंटेशन, पिक्चर का रिप्रेजेंटेशन से ही चीजों को सिखाते हैं, जो कि आपके माइंड में छप जाए और एक बार पढ़ोगे और फिर जो बनाए आपके नोट्स होंगे वो हमेशा आपको काम आते हैं, ना कि मशीन को बार बार पढ़ने की जरूरत होगी। तो चलिए, मैं पहली चीजों को, पावर सिस्टम भी करवाएंगे, डोंट वरी, डोंट वरी। अगर मैं डीसी मशीन को अभी मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, अभी कोई चीज पढ़ा नहीं रहा, ये भी जो अभी लिखा हूं ये इंट्रोड्यूस कर रहा हूं, पढ़ा नहीं रहा। जब हम डीसी मशीन पढ़ने जाएंगे तो उसको सेवरल टाइप्स मिलेंगे, सेल्फ सेपरेटली, सेल्फ में फिर आपको सीरीज, संट, कंपाउंड, आपने बहुत सारे टाइप पढ़े, पर किसी को भी याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी। चीजों को इस तरीके से आपके माइंड में बैठाया जाएगा या किस तरीके से वाइंडिंग होंगी और वाइंडिंग के आधार पर कैसे क्लासिफिकेशन हो जाते हैं, इन सारी चीजों की चर्चा आपको करना पड़ेगा यहाँ पे, और हम उन सब चीजों को करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे। जहां तक रही बात पीडीएफ की, तो इस कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ, इस कंप्लीट नोट्स का पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम, राजकमल सर वाले टेलीग्राम, राजकमल सर इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म वाले जो आपके टेलीग्राम है वहां पे आपको मिल जाएंगे। हर 5 सेशन का पीडीएफ एक साथ अटैच होकर आपको मिलता रहेगा। ओके, तो आई होप सो आप इस चीजों को भी बेहतर तरीके से इंजॉय कर पाओगे। पीडीएफ के रूप में राजकमल सर टेलीग्राम चैनल पे जाना है आप लोगों को, और वहां पर हर 5-5 वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। अब बात रही कि सर क्या करवाने हैं इस सेशन में और क्या आपने वो कर लिया, आइए मैं बताता हूं अब एक एक चीज करके, यहां से चीजों को अच्छे से कलेक्ट करते हुए चीजों को बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले, अगर ये सब्जेक्ट है, टॉपिक तो हमारा डीसी मशीन है जो कि पार्ट टू है, हमने ऑलरेडी कुछ चीजों को यहां से डिस्कस किया हुआ है ना, आइए मैं यहां पे चर्चा कर लेता हूं। सबसे पहले ये जो है हमारा इलेक्ट्रिकल मशीन है, क्या है जी, इलेक्ट्रिकल मशीन। ओके, इलेक्ट्रिकल मशीन,
जैसे ही आप इलेक्ट्रिकल मशीन को डिस्कस यहां से करोगे, इलेक्ट्रिकल मशीन जो है कई भागों में बंटना शुरू हो जाता है। तो क्या हमने पढ़ा है और क्या नहीं पढ़ा उसमें अपन चर्चा करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर मेनली सेगमेंट देखिए कई तरीके से बांटे जाते हैं लोगों के द्वारा, पर मैं किस तरीके से बांटता हूं यहां पर आपको देखना होगा। इलेक्ट्रिकल मशीन में एक होता है स्टेशनरी मशीन, एक होगा स्टेशनरी मशीन और दूसरा होगा रोटेटिंग। यानी इलेक्ट्रिकल मशीन जो है दो तरीके से बांटे जाते हैं, दैट इज रोटेटिंग रोटेटिंग मशीन। ओके, रोटेटिंग मशीन। स्टेशनरी मशीन के अंदर जो खास तौर पे मशीन है, दैट मशीन इज नोन एज ट्रांसफॉर्मर। स्टेशनरी मशीन में जो हमारे काउंट किए जाते हैं उस मशीन को मैं यहां पे बोलता हूं दैट इज ट्रांसफॉर्मर, ट्रांसफॉर्मर। ओके, और आपको पता होना चाहिए ट्रांसफॉर्मर को हमने ऑलरेडी डील कर लिया है। ट्रांसफॉर्मर मशीन एक ग्रंथ के पहले पार्ट में हमने ट्रांसफॉर्मर को बहुत अच्छे से स्टडी किया हुआ है। नाउ नेक्स्ट टारगेट इज रोटेटिंग मशीन। हमारा टारगेट क्या होगा जी? रोटेटिंग मशीन। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी स्टडी करते हैं। अभी पहले पूरी प्लानिंग होनी चाहिए अच्छे से, तभी अपन कोई बात कर पाएंगे। तो नेक्स्ट टारगेट जो होगा वो होगा रोटेटिंग मशीन का, और रोटेटिंग मशीन को अपने को देखना होगा कि ये किस तरीके से चल रहा है। रोटेटिंग मशीन की अगर बात करें, रोटेटिंग मशीन की अगर मैं बात करूं तो ये बटने लगते हैं अलग अलग तरीके से। एक जैसे कि मैं बात करूं डीसी मशीन और एक एसी मशीन, यहां पे बात करूंगा एक का हमारा डीसी मशीन होगा, रोटेटिंग में भी डीसी मशीन होता है, और दूसरा रोटेटिंग में हमारा होगा एसी मशीन। दूसरा क्या होगा? रोटेटिंग मशीन में आपने कई मशीन के नाम सुने होंगे, लेकिन एक पढ़ेंगे हम। क्लास कितने आवर की होंगी? डेली एक घंटे का तकरीबन क्लास आपका चलेगा। ओके, सो डीसी मशीन होगा और दूसरा क्या होगा? एसी मशीन। ओके, चलिए यहां से आपको इनके बारे में पता चल गया कि सर एक है डीसी रोटेटिंग मशीन, डीसी मशीन में भी होता है और एसी मशीन में भी होता है रोटेटिंग मशीन। आपका रोटेटिंग मशीन डीसी मशीन में भी और एसी मशीन में। जहां पर स्टेशनरी मशीन में हम ट्रांसफार्मर को रखे हैं, ये कंप्लीटली कैसा मशीन है जी? एसी मशीन है, का एक हिस्सा है। इसमें भी एसी मशीन है, ये डीसी पे काम नहीं करता। नाउ डीसी मशीन की अगर मैं बात करूं, ये डीसी मशीन की, तो अब अपने को यहीं पे स्टडी करना है, जिसमें खासकर टॉपिक का ध्यान रखते हुए तो डीसी आपको जनरेटर पढ़ना है और डीसी मोटर पढ़ना है। डीसी जनरेटर पढ़ना है और डीसी मोटर पढ़ना है। इन दोनों चीजों को एकदम ध्यान से समझिएगा आप लोग, है ना। डीसी जनरेटर और डीसी मोटर अपने को पढ़ना है। हमारा जो अभी का सेशन होगा कंप्लीट सेशन इसी को डेडिकेट करेगा। इस बार जो हम पढ़ रहे हैं पार्ट बी में, दैट इज डीसी मशीन, जिसमें जनरेटर और मोटर आएगा, इसमें सेल्फ सेपरेटली जितने तरीके के आ सकते हैं उनको मैं एलिब्रेट करूंगा। यानी नेक्स्ट पेज में जो टारगेट करूंगा वो इसको समझाने की, नेक्स्ट पेज में इसको समझाने की हमारी पूरी कोशिश होगी। लेकिन पहले समझिए ओवरव्यू, जो हमने क्या कंप्लीट किया है, क्या पढ़ रहे हैं और क्या अपकमिंग डेज में अपन पढ़ने वाले हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट बात मैं कहूं तो एसी मशीन, एसी मशीन सर रेलवे और एसएससी जेई टेक्निकल सिलेबस सेम है क्या? बिल्कुल सेम है जी, बिल्कुल सेम है। नाउ अब बात करूं एसी मशीन के, तो एसी मशीन में यहां पर आपको मेन दो तरीके के मशीन देखने को मिलता है एसी के अंदर। पहला होता है इंडक्शन मशीन, क्या होता है? इंडक्शन मशीन, और दूसरा होगा सिंक्रोनस मशीन। क्या? सिंक्रो नस मशीन। पहला होगा एसी मशीन और दूसरा इंडक्शन मशीन और दूसरा सिंक्रोनस मशीन। इंडक्शन फिर बंट जाएगा दो भागों में आगे, पहला होगा सिंगल फेज इंडक्शन मोटर और यहां होगा थ्री फेज इंडक्शन मोटर। अब ध्यान रखिएगा, इंडक्शन में खासकर हम मोटर को ही स्टडी करते हैं, जनरेटर को नहीं। नहीं तो इसके भी क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हालांकि इसकी क्लासिफिकेशन हम जब इसको पार्ट थर्ड में पढ़ूंगा तो इसको पूरे डिस्कस कर दूंगा। इंडक्शन के जनरेटर भी होते हैं, मोटर होते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द केस हम जनरेटर की बात नहीं करते, हमेशा मोटर की बात करते हैं, क्योंकि इंडक्शन का मोटर मोस्ट
सुटेबल होता है हमारे लिए, इसलिए इंडक्शन के हमेशा मोटर बनाए जाते हैं और सिंक्रोनस के हमेशा जनरेटर प्रीफर किए जाते हैं, जबकि सिंक्रोनस भी मोटर बनता है और इंडक्शन भी जनरेटर बनाए जाते हैं, लेकिन इंडक्शन जनरेटर के एप्लीकेशन बहुत लिमिटेड होते हैं, जबकि सिंक्रोनस मोटर की भी एप्लीकेशन हम कह सकते हैं लिमिटेड होता है। जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जनरेटर लेना है तो हमेशा अल्टरनेटर या सिंक्रोनस जनरेटर लेते हैं, और इंडस्ट्री के लिए अगर मोटर का इस्तेमाल करना हो तो हमेशा हम इंडक्शन मोटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आई होप सो ये सारी चीजें आपको पता रह रही होंगी। तो ये ध्यान रखना है, यहां पे आपको एक जरूरी हो जाएगा, यहां एक चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि अभी हमने क्या किया है। यहां पर आइए, चीजों को मैं समझा रहा हूं, चीजों को यहां पे मैं समझा रहा हूं, एलिब्रेट करता हूं, एक सेकेंड इसको कॉपी कर ले, ये क्या पार्ट है हमारा, है ना, और एक और कॉपी कर ले यहां से, ये क्या पार्ट है ना, ये क्या पार्ट रहने वाला है हमारा, ये क्या पार्ट रहने वाला है, और एक और कॉपी यहां से हो जाए तो ये क्या पार्ट रहने वाला है, सिंक्रोनस में भी आगे अपन चर्चा करेंगे, इसमें भी चर्चा करेंगे जी, है ना। अब देखिए इसकी भी आगे डिस्कशन होगी, अब मैं यहां चर्चा एक बार कर लेता हूं। यहां पे सर पार्ट ए के अंदर अगर बात करोगे, पार्ट ए के अंदर तो मैंने ट्रांसफॉर्मर पढ़ा दिया है, पार्ट बी पार्ट टू कह सकते हो आप इसको, ये पार्ट टू के रूप में, अगर मैं कहूं पार्ट वन, इसको यहां पर अगर इसको कह दूं पार्ट वन है ये, है ना, एक सेकेंड रुकना आप लोग, बस इसको मैं कह दूं अगर ये पार्ट वन था, अगर ये पार्ट वन था तो ये पार्ट टू, पार्ट थ्री में हमारा जो चलेगा वो होगा इंडक्शन मशीन, इंडक्शन मशीन को हम पार्ट थ्री में पढ़ने वाले हैं, एंड पार्ट फोर के अंदर, पार्ट फोर के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं सिंक्रोनस मशीन, पार्ट फोर में सिंक्रोनस, जो कि सिंक्रोनस में भी आप देखोगे सिंक्रोनस मोटर और जनरेटर होते हैं। यहां पे मेनली थ्री फेज की ही बात होती है, थ्री फेज की आगे मैं चर्चा करूंगा जब सिंक्रोनस पढ़ेंगे, तो एक एक चीज एलिब्रेट करूंगा। तो यहां पे सिंक्रोनस जनरेटर एंड सिंक्रोनस मोटर, सिंक्रोनस मोटर, ओके। तो आज का डिस्कशन होगा पार्ट टू, जो अपन डिस्कस करने वाले इस सेगमेंट में, दैट इज पार्ट टू, अपन यही पढ़ने वाले अभी, पार्ट टू पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एसी मशीन में पार्ट थ्री इंडक्शन को नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, और फिर पार्ट फोर ये पढ़ेंगे, और एक आएगा लास्ट में, दैट इज पार्ट फोर फिफ्थ, इसमें पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ स्पेशल मशीन। क्या पढ़ेंगे जी? स्पेशल मशीन अपन डिस्कस करेंगे, ओके, स्पेशल मशीन को डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से कंप्लीट मशीन आपके हाथ में होगा, और इनको पूरे बेहतर तरीके से करने की जिम्मेवारी भी मेरी होगी, मैं बिल्कुल बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को इन जो को डिस्कस करने वाला हूं। जितने बच्चे पढ़े होंगे उनको पता होगा कि किस तरीके से मैं चाहे मशीन, नेटवर्क, मेजरमेंट, पावर सिस्टम, है ना, इन सब्जेक्ट्स को खासकर हम फोकस करके अच्छे से पढ़ाते हैं, ताकि इलेक्ट्रिकल का कोर जो है वो कहीं भी कमजोर आपका ना पड़ पाए, ओके। सो लुक यू फ्रेश एंड वेरी एनर्जेटिक, थैंक्स अ लॉट, ओके, थैंक यू जी। स्पेशल मोटर, बिल्कुल स्पेशल मोटर की भी हम चर्चा करेंगे, तो आप लोग लगातार जुड़े रहेंगे और इसी तरीके से अपन पढ़ेंगे। सो अगर देखेंगे तो हमारा ये लेक्चर ये है, और आप देखोगे तो इसको हमने नाम दिया हुआ है दैट इज पार्ट टू। अगर आपने देखा होगा सेशन में, ये हमारा पार्ट टू हुआ है, पार्ट टू है ये मशीन का, जो कि है डीसी मशीन, ओके। तो सेशन यहां से डेली चेंज होगा, बस नंबरिंग चेंज हो जाता है, थंबनेल यही दिखेगा, नंबर 1 2 3 4 5 6 अप्रोक्सीमेट मैंने टारगेट किया है कि ये भी 35 लेक्चर तक जाएंगे आपके। कितने? 35 लेक्चर। ट्रांसफॉर्मर की अगर मैं बात कर लूं, यहां पर आइए, अगर मैं बात करूं ट्रांसफॉर्मर का, तो ट्रांसफॉर्मर मैंने आप लोगों के लिए 1 से 37 लेक्चर तक कंप्लीट किया हुआ है, 1 से 37 लेक्चर तक कंप्लीट डन है। टारगेट है कि ये लेक्चर भी 1 से लेकर आपको लगभग 35 लेक्चर में ये जाके कंप्लीट होगा, अगर डेली सेशन 1 घंटे का चलेगा तो 35 लेक्चर इसको लगेंगे, क्योंकि पूरे मशीन को अगर करते हैं तो 125 घंटे में पूरा मशीन होगा, 125 घंटे में हम पूरे मशीन को बहुत बेहतर तरीके से डील कर पाएंगे, ओके। तो ये हमारा टारगेट है डीसी मशीन, यही हमारा टारगेट है। अब डीसी मशीन में हमने बोला जनरेटर और मोटर, अब देखिए इसको भी पढ़ना है, क्योंकि क्लासिफिकेशन इसके बहुत सारे हैं, इनको अच्छे तरीके से पढ़ना है, ओके। विथ क्वेश्चन, बिल्कुल विथ क्वेश्चन सर, ट्रांसफॉर्मर का वीडियो अपलोड है यूट्यूब पर, बिल्कुल जी, वी आर वेटिंग, ओके। नाउ अब जनरेटर और मोटर की जब बात होगी,
तो यहां से बटने लगते हैं सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर और सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर के बदला सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर। सेम जितना क्लासिफिकेशन इसके नीचे बटेंगे उतना ही क्लासिफिकेशन फिर डीसी मोटर के अंदर भी बटेंगे। तो ये क्लास क्या होगा, लगातार नीचे बढ़ते जाएंगे। तो वहीं पे बात आएगी कि डीसी मशीन को जब स्टडी करेंगे जी, तो डीसी मशीन में डीसी जनरेटर भी आएगा और डीसी मोटर भी आएगा। आज पूरा पूरा मोटर का हम क्या कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन बता दे रहे हैं, मोटर को किस तरीके से पढ़ना है, डीसी मशीन और डीसी मशीन में जनरेटर और मोटर को साथ के साथ अगर मैं ये भी बताऊंगा कि हमारे डीसी मशीन का सिलेबस क्या रहने वाला है, डीसी मशीन का क्या सिलेबस रहने वाला है। मैं यहां पर एक चीज और बताऊंगा, अगर आप लोग ध्यान दें तो यहां पर हमारा रहने वाला है सिलेबस ऑफ डीसी मशीन। यहां पर एक और टॉपिक आने वाला है, सिलेबस क्या रहने वाला है डीसी मशीन का। तो यहां आप लोग को इसके लिए भी तैयार होना पड़ेगा, दैट इज सिलेबस, है ना, क्या सिलेबस रहेगा हमारा इसमें पढ़ने का, सिलेबस ऑफ डीसी मशीन। डीसी मशीन को अपन किस तरीके से पढ़ेंगे ये भी हमारा टारगेट रहेगा और एक एक करके मैं इसको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि पहला टॉपिक इसमें क्या पढ़ेंगे, दूसरा टॉपिक क्या पढ़ेंगे, डे बाय डे का टारगेट कैसा होगा, एक एक टॉपिक को हम यहां पे डिस्कस करने वाले हैं। ओके चलिए नेक्स्ट 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 कि अगर मैंने बोला यहां पे तो हमने छोड़ा इसको कि इलेक्ट्रिकल मशीन था, स्टेशनरी पार्ट था, रोटेटिंग पार्ट था, डीसी मशीन है, डीसी मशीन के फिर क्लासिफिकेशन आएंगे, तो ये रहेगा जनरेटर, दूसरा रहेगा मोटर, फिर जनरेटर बटेंगे और मोटर भी बटेंगे। अब इसी को अच्छे से देखेंगे अगर, तो यहां पर देखिए डीसी मशीन है, डीसी जनरेटर और मोटर है। अब चाहे डीसी जनरेटर की पहले बात कर लो तो जितने पार्ट डीसी जनरेटर के होंगे उतने ही पार्ट किसके भी होंगे सर, डीसी मोटर के भी होंगे। और ये कैसा होता है कनेक्शन के आधार पर उनकी चर्चा हम कर लेंगे। ओके सो यहां पर अगर देखो न्यूमेरिकल भी साथ में होगा, डोंट वरी पंकज कुमार, न्यूमेरिकल भी साथ में होगा। अब यहां पे देखना डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की बात होगी और एकदम शांति से अपन पढ़ेंगे। आज फर्स्ट क्लास है तो थोड़ी एनर्जेटिक रहना पड़ेगा अपने को, है ना, क्योंकि जब तक ऊर्जा नहीं रहेगी, एनर्जी नहीं रहेगी, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी बोलने में, बातों में, तो फिर आप भी सुस्त पड़ जाओगे। सो बहुत जरूरी होता है कि चीजों को एनर्जेटिक वे में फटाफट बोलते रहना, करते रहना, ताकि आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी। अगर मैं यही पढ़ा दूं ना धीरे धीरे, सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर ये तो तब आएगी जब आप में भी बहुत ज्यादा पेशेंस हो जाएगा, घंटे घंटे बैठने की आप में भी ताकत हो जाएगी, तब अपन वैसा कर सकते हैं। अदरवाइज आपको लगातार कंटिन्यूटी में बना रहना है, तो चीजों को ब्रेक नहीं करना है, कंटिन्यूअस। जैसे आप कभी भोजन खाते हो, देखे हो अगर रोटी सब्जी बहुत टेस्टी लग रहा है तो आप लगातार खाते जाओगे तो वो आपके लिए इंटरेस्टिंग बना रहता है, अगर उसमें आप ब्रेक कर देते हो तो आपके इंटरेस्ट घटने लगते हैं। ओके सो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए तो यहां पे डीसी जनरेटर और डीसी मोटर की अगर बात करो तो ये दो भागों में क्लासिफाइड हो जाते हैं। जनरेटर या मोटर की बात करूं, एक तो होता है सेपरेटली, दूसरा होता है सेल्फ। मैं कहां से बात कर रहा हूं सर, मैं यहां से बात कर रहा हूं डीसी मशीन, फिर डीसी जनरेटर और डीसी मोटर, ये आगे और क्लासिफिकेशन होंगे। डीसी जनरेटर के कितने पार्ट, डीसी मोटर के कितने पार्ट, उनके बारे में तो पहले जानना ही जरूरी है, फिर उसके बारे में पढ़ेंगे इसका स्पीड कैसे कंट्रोल होगा, कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, टॉर्क क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन क्या होता है, बैक ईएमएफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क क्या होता है ना, स्टार्टर क्या होता है, उनकी चर्चा तो आगे होगी। पहले मशीन को ही भाप ले, पहले मशीन को ही जान ले कि इसके प्रकार कितने हैं और क्यों, किस आधार पर इनके सारे टाइप्स बांटे जाते हैं। ओके चलिए, हाँ बिल्कुल पीडीएफ देंगे जी, पीडीएफ देंगे, है ना सर, यहां पे आइए। तो सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मशीन और सेल्फ एक्साइटेड डीसी मशीन पढ़ना है, फिर सेपरेटली का कोई हिस्सा नहीं होता, आगे जाके सेपरेटली क्लोज हो जाता है, क्योंकि सेपरेटली में और भारी सारे प्रकार नहीं बांटे जा सकते क्योंकि उसमें बाहर से कनेक्शन दिए जाते हैं। लेकिन सेल्फ एक्साइटेड वाले जो ईएमएफ जनरेट कर रहा है उसी को पोल पर वाइंडिंग कैसे करें, उसके बहुत सारे तरीके बनाए जाते हैं इस मशीन में। कहता है कि सीरीज के साथ बना लो, संट के साथ बना लो और मिक्स कर लो, तो उसको कंपाउंड बोल देते हैं। फिर कंपाउंड दो भागों में बढ़ जाते हैं अपने आप में, एक कहलाता है कम्युलेटिव कंपाउंड, दूसरा कहलाता है डिफरेंशियल कंपाउंड। भले ही अभी आपको समझ में नहीं आए पर इतना दिमाग में बैठा के चलना है कि इतने मोटर से गुजरना पड़ेगा मोटर को पढ़ने के लिए, डीसी का, डीसी के मोटर को पढ़ने के लिए इतने मोटर को पढ़ना पड़ेगा। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि बताइए डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का एप्लीकेशन कहां पे होता है, या फिर
अगर कहेगा ट्रैक्शन, या फिर कोई कहेगा कि क्रेन के लिए अगर यूज कर रहे हैं तो किस टाइप के मोटर का इस्तेमाल करते हैं, तो एप्लीकेशन में भी बहुत पूछे जाते हैं और इनके कॉन्सेप्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ डीसी जनरेटर और मोटर के बारे में अच्छे से जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके साथ साथ इन सारे पैरामीटर को भी या इस टाइप के मोटर को भी आपको बहुत अच्छे से जानने की जरूरत है। ओके नाउ, तो डीसी सीरीज मोटर, डीसी शंट मोटर एंड कंपाउंड, अगेन ये डिफरेंस दो भागों में बढ़ता है, कंपाउंड कम्युलेटिव, कम्युलेटिव मतलब होता है जो जोड़ देता है, और डिफरेंशियल मतलब नाम से ही लगता है जो घटाता है, तो दो फील्ड को घटाने का जहां काम होता है दैट इज डिफरेंशियल, और दो फील्ड को जोड़ने का काम जो करता है दैट इज कम्युलेटिव। अब ये भी होता है लॉन्ग शंट और एक होता है शॉर्ट शंट, ये भी है, अगर लंबा दिखे मतलब नाम से ही डायरेक्ट कर दिया है कि दो फील्ड को जोड़ दो, अगर वो आर्मेचर के साथ लेंथ में लंबा दिखे दैट इज लॉन्ग, अगर छोटा दिखे यानी कनेक्शन थोड़ी डिफरेंट होते हैं तो वो कहलाता है शॉर्ट शंट। तो इतने सिमिलरली यहां पे डिफरेंशियल का भी लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट, तो इन सारे चीजों को आपको जनरेटर के अंदर पहले तो पढ़ना पड़ेगा, इसके बारे में समझना पड़ेगा, इसके प्रॉपर वर्किंग आपको पता होना चाहिए, तब जाके सिलेबस में हम इंट्रोड्यूस करेंगे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है। पहले तो हम पहले इसके वर्किंग को पढ़ लेंगे, फिर इसमें कंस्ट्रक्शन भी आएगा, पूरे इनके टाइप भी आएंगे, फिर इस पे पढ़ेंगे इसका रिएक्शन, आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है, कैसे इंप्रूव किया जाता है, फिर पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन तो बहुत सारे चीज आते हैं, डीसी जनरेटर का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, डीसी मोटर के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, टॉर्क कैसे आउटकम मिलता है, आगे बात करेंगे फिर स्टार्टिंग मेथड क्या होता है, स्टार्टर इसके 3 पॉइंट स्टार्टर 4 पॉइंट स्टार्टर आपने पढ़ा होगा है ना, तो सारी चीजों की बातें हम सिलसिलेवार तरीके से करते हुए जाएंगे, कैसे इसका स्पीड कंट्रोल होता है इनकी भी चर्चाएं होंगी। तो आइए ना, अब रही इन सारे चीजों को करने के बाद, और ध्यान रखना जितने भी चीजें होंगी उनमें हम प्रॉपर दायरा के साथ चीजों को लेते हुए उठाते हुए चलेंगे, ताकि चीजों को एनिमेशन और पिक्चर होगा, तो मैं टूल्स हार्डवेयर टूल्स भी लाऊंगा, मोटर खरीद के लाऊंगा मार्केट से, पहले भी लाया था वो कहीं गुम हो गया, मिल नहीं रहा, वो हो सकता है दूसरे फ्लैट पे हो मेरे, तो अगर मुझे मिल गया तो ठीक, नहीं तो फिर भी मैं लेके हार्डवेयर से भी बहुत चीज समझाने की कोशिश करूंगा, जैसे पहले के वीडियो में मैंने बना रखा था। ओके आइए जी, अब मैं यहां बात कर लेता हूं कि सर इस डीसी मशीन में कितने सिलेबस होंगे, क्या क्या अपने को पढ़ना पड़ेगा। तो सिलेबस ऑफ डीसी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, है ना, सिलेबस ऑफ डीसी मशीन। तो यहां पर सबसे पहले अबाउट डीसी मशीन आपको अच्छे से जानना पड़ेगा, अबाउट डीसी मशीन आपको जानना पड़ेगा। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन आपको जानने की जरूरत होगी, ओके कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन जानने की होगी। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ डीसी मशीन की जानकारी आपको रखनी होगी, ओके टाइप्स ऑफ डीसी मशीन की जानकारी रखनी होगी। वेट 4 5 6 7 8 ओके अब मैं यहां बात कर लूं टाइप्स के बाद आपको वर्किंग ऑफ डीसी मशीन करना होगा। अब यहां देखना ये जितने भी चीजें कर रहे हैं ना, ये जितने भी चीजों को मैं लिखवा रहा हूं दैट इज ऑल्सो फॉर मोटर एंड दैट इज ऑल्सो फॉर जनरेटर, है ना। आपको कई बार एग्जाम में पूछता है कि क्या सेम मोटर जनरेटर के लिए काम कर सकता है, बिल्कुल करता है। डीसी मशीन की यही खासियत है कि उसी मशीन को जनरेटर बनाया जा सकता है और उसी मशीन को मोटर भी बनाया जा सकता है। सो हम सबके बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे, सबके बारे में सेपरेटली चर्चा करेंगे, भले ही कंस्ट्रक्शन डीसी जनरेटर और मोटर का सेम होता है, लेकिन उनके बाद जो भी टाइप आएंगे मोटर को मोटर में लिखूंगा और जनरेटर को जनरेटर लिखूंगा वर्ड, ओके मशीन बोल के नहीं निकल जाएंगे। वर्किंग ऑफ डीसी मशीन, ओके अब ये तो था डीसी मशीन के बारे में बेसिक बातें, अब आपको पॉइंट वाइज चलना पड़ेगा, दैट इज जैसे कि आर्मेचर रिएक्शन क्या होता है और ये कैसे खत्म होते हैं, इन सब चीजों की चर्चा होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मशीन,
और इसमें मोटर भी आएगा, जनरेटर भी आएगा। आपसे कई बार ये पूछता है कि लोड बढ़ाए तो बताओ स्पीड क्या करेगा, है ना। कई बार बोलेगा टॉर्क घट रहा है तो बताइए उसका स्पीड क्या हो रहा होगा, है ना। बोलेगा कि बताइए फ्लक्स घट रहा है तो ईएमएफ क्या कर रहा होगा। तो जनरेटर और मोटर में ऐसे क्वेश्चंस अनगिनत देखने को मिलता है। इसी को हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है संबंध बताना, एक का दूसरे से कैसा रिलेशन है वो चीज बताना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं मशीन के अंदर। ओके, नाउ टॉर्क इक्वेशन, ईएमएफ इक्वेशंस को भी स्टडी करेंगे। अब ये छोटा पॉइंट लिखा हूं, इसमें बहुत चीज पढ़ने पड़ेंगे। ओके, टॉर्क इक्वेशन जनरेटर मोटर के लिए देखना पड़ेगा, टॉर्क इक्वेशंस भी मोटर के लिए देखना पड़ेगा। नाउ मैं और चीजों की चर्चा, अच्छा ये तो बेसिक के लिए बोला था। नाउ नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारे लिए जी, आठवां, नाइन्थ, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, है ना। तो चलिए आगे की चर्चा कर लेते हैं। टॉर्क इक्वेशन आ गया, इसके बाद फिर क्या चलेंगे जी आगे, है ना। टॉर्क इक्वेशन आ जाएगा, फिर आपको एप्लीकेशंस वगैरह देखने होंगे इसके, एप्लीकेशन, है ना। उसके बाद देखना पड़ेगा, चूंकि मोटर है तो उसकी स्पीड को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। स्पीड कंट्रोल मेथड आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, स्पीड कंट्रोल मेथड को आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर ईएमएफ है तो वोल्टेज कंट्रोल करना पड़ेगा आपको, अगर जनरेटर है तो वोल्टेज कंट्रोल भी आपको देखना पड़ेगा यहां पर, कि वोल्टेज को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर, तो मशीन की टेस्टिंग होती है बहुत तरीके से। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा, स्टार्टर जो स्टार्टिंग मेथड होते हैं, स्टार्टर या फिर आप कह सकते हो स्टार्टिंग मेथड, इनको भी आपको अच्छे से जानने की जरूरत होगी। ओके, और स्टार्टिंग मेथड में जैसे कि स्टार्टिंग मेथड आपको पता होना चाहिए, जैसे थ्री पॉइंट स्टार्टर, है ना। आगे मैं बोलूं 4 पॉइंट स्टार्टर, तो आपको पता है 2 पॉइंट स्टार्टर भी होता है, बट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बट 2 पॉइंट स्टार्टर भी होते हैं। सर रेगुलर क्लास कितने बजे चलेगा, यही रहेगा। हाँ जी, रेगुलर क्लास आपकी जो टाइमिंग होगी वो डेली 11:05 की होगी, है ना। डेली जो आपकी क्लास होगी वो 11:05 AM पे होगी। कहीं PM तो नहीं लिख दिया एक जगह कहीं शायद, ये लो यहाँ AM आएगा, PM लिख दिया हूं, वेट यहां पे देखो मेरे दिमाग में था कहीं मुझे AM। मॉर्निंग में ये 1 घंटा का सेशन डेली चलेगा, और चलने के लिए अगर 1.5 घंटे की नीड होगी तब भी हम क्लास लेंगे 1.5 घंटे का। और आपको यहां पे एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, दैट इज इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। आपको ब्रेकिंग पढ़ना पड़ेगा, और इसी ब्रेकिंग खामियों के कारण डीसी मशीन को रिप्लेस किया गया 12 से 13 इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। यहां इलेक्ट्रिकल आपको ब्रेकिंग पढ़ना पड़ेगा जी, इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। आपको पता है डीसी मशीन इलेक्ट्रिकल ट्रेन के अंदर यूज किए जाते थे, लेकिन नाउएडेज अब सब जगह इलेक्ट्रिक ट्रेन में क्या यूज करने जाने लगे हैं सर, इंडक्शन मशीन। क्या यूज करने लगे हैं, 3-phase इंडक्शन मशीन। तो ये जो रिप्लेसमेंट हुआ इसका सबसे बड़ा कॉज था डीसी मशीन की ब्रेकिंग। डीसी मशीन प्रॉपर ब्रेकिंग नहीं स्मूथली कर पाता था, जबकि इंडक्शन मशीन इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग काफी स्मूथली कर पाता है। तो रिप्लेसमेंट ऑफ डीसी मशीन जो है उसका एक बहुत बड़ा कॉज है डीसी मशीन की ब्रेकिंग। ओके चलिए, रिजेनरेटिव, बिल्कुल ब्रेकिंग में सारे आ गएंगे, प्लगिंग, रिजेनरेटिव जो आप कह रहे हो, उसके बाद आपका आप कह सकते हो कि प्लगिंग आ जाएगा, रिजेनरेटिव ब्रेकिंग आ जाएगा, और एक और जो टाइप आता है मेरे दिमाग से स्किप कर रहा है। तो ये तीनों, तीन टाइप के मेनली होते हैं, तीनों अपन पढ़ेंगे जी, है ना। चलिए और भी कोई बात है, सो ये स्टार्टर पढ़ेंगे ना, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर तो ये इंडक्शन मशीन में होता है, डायरेक्ट ऑनलाइन DOL, डायरेक्ट ऑनलाइन जो मेथड होता है दैट इज पार्ट ऑफ इंडक्शन मशीन। वहां पे पढ़ते हैं स्टार डेल्टा, डायरेक्ट DOL पढ़ते हैं, है ना, रिएक्टेंस स्टार्टर पढ़ते हैं, ऑटो ट्रांसफॉर्मर स्टार्टर पढ़ते हैं, दैट इज अ पार्ट ऑफ इंडक्शन मशीन। ओके सर, अब डेली लेक्चर होगा, बिल्कुल अपकमिंग डेज में। प्लगिंग, बिल्कुल जी प्लगिंग तो बोला ही हूं,
डायनामिक, बिल्कुल डायनामिक, रियोस्टेटिक ब्रेकिंग, ये सारी ब्रेकिंग की हम चर्चा करेंगे। चलिए बहुत अच्छा, इतने सारे बच्चे लाइव हुए हो, मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लाइव रहेंगे। अपकमिंग डेज में हर चीज को मैं बिल्कुल बेसिक से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि बच्चे को इतने गहराई तक चीजों को समझाया जाए कि वो चीजों को कनेक्ट करके आगे बढ़ पाए। ऐसा नहीं कि ये एक टॉपिक बन के रह जाए इंडक्शन मशीन। क्या लगता है आपको, अगर मैं इसको पढ़ूं तो क्या इसकी जरूरत नहीं होगी? बिल्कुल जरूरत होगी। इनको पढ़ाने के लिए मुझे इसकी जरूरत होगी क्योंकि मैं मैग्नेटिक सर्किट ट्रांसफार्मर के अंदर ऑलरेडी करा रखा है, तो उसकी नीड जरूर होगी। पूरा मशीन एक मैग्नेटिक पार्ट का हिस्सा है, इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल का हिस्सा है, तो इसको अच्छे से अपने को डिस्कस करना पड़ेगा। ओके थैंक यू। फोर्थ सेमेस्टर का कल रिजल्ट आएगा जी। आई होप सो इन सारे चीजों को आपने आज समझा। पढ़ाने का तरीका आप सभी को पता है और मैं और भी ज्यादा कोशिश करूंगा जिससे चीजें आप लोगों के लिए बहुत आसान हो जाए। तो हम एनिमेशंस का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आपको लगता है कि क्लास सर एक घंटा लेते हैं या डेढ़ घंटा, लेकिन मेरे क्लास में बैकग्राउंड में जो काम होती है कम से कम एक डेढ़ घंटे दो घंटे का काम होता है। वो भी एक डेढ़ घंटे का काम मुझे अब इसलिए होता है क्योंकि मैंने काफी दिनों से इन पे काम कर रखा है, इसलिए वो एक ही घंटा लगता है। अदरवाइज इस तरीके के एनिमेटेड क्लास बनाने के लिए बैकग्राउंड में तीन तीन घंटे का टाइम चाहिए होता है। जैसे कि मैंने पहली बार अटेम्प्ट किया था तो भर दिन में दो वीडियो बना पाते थे। आप लोग को भले ही इनका पता नहीं होगा, पूरे दिन लग जाते थे दो वीडियो को करने में, खुद से चीजों को एनिमेट करने में। खुद मुझे ही पता क्योंकि एक टीचर ही कर सकता है एनिमेशंस प्रॉपरली, जिनको ये पता हो कि चीजें क्यों कौन कहां आएंगी और कब आएंगी, और इसके लिए मुझे काफी वक्त लगता था। अब थोड़ा अनुभव हो गया है तो फटाफट कर लेते हैं, बस यही है। कहने के लिए क्लास डेढ़ घंटा की है बट बैकग्राउंड में वो क्लास आप देखोगे तो तीन तीन घंटा निकल जाते हैं उसके लिए। सो आई होप सो एडवांटेज जरूर भी होगा। बिल्कुल जी एडवांटेज, सब तो छोटी छोटी बातें होगी, वो तो गूगल भी कर लेंगे, पता चल जाएगा। सर ट्रांसफॉर्मर यूट्यूब पे नहीं है? बिल्कुल है ट्रांसफॉर्मर। ओके सर, बच्चे ट्रांसफॉर्मर क्लास के हैं उसको बताते हैं कि जरूरी नहीं, क्लास मस्त होता है अब भाई लोग। बिल्कुल जी क्लास बिल्कुल मस्त होगा, इसमें तो कोई शक ही नहीं होगी कभी, है ना सर। बिगनिंग में पावर सिस्टम क्लास कीजिए। ओके मैं अपकमिंग डेज में देखता हूं कि मैं पावर सिस्टम और इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या कर सकता हूं बच्चों के लिए। मेरी हालांकि मेरा सब कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन मैंने लंबे गैप से लंबे गैप से मैंने पावर सिस्टम को पढ़ाना इतना जैसे स्विच गियर प्रोटेक्शन TND हम हालांकि सेमेस्टर वगैरह में बच्चों को करा देते बहुत बेहतर तरीके से, लेकिन जो एक होता ना कि रेगुलर टच में नहीं होने के कारण बहुत फ्रिक्वेंट मैंने पावर सिस्टम की क्लास को नहीं किया। आधा पावर सिस्टम जो स्विच गियर प्रोटेक्शन वाला है या ट्रांसमिशन केबल वाला, ये सब में कुछ दम नहीं है, तो चीजों को हमने काफी अच्छे से और कई बार बच्चों को कराया भी हुआ। अगर बात करो इंजीनियर्स ग्रुप पे, पॉलिटेक्निक वाले बच्चों के लिए है ना इंजीनियर्स ग्रुप पे, लेकिन जो कॉम्पिटिटिव में है यहां पे मैं मशीन मेजरमेंट नेटवर्क और उसके बाद आप कह सकते हो कि पावर सिस्टम का हिस्सा, इन्हीं से वक्त नहीं मिल पाता। इसीलिए मैं क्या कर पाता हूं कि उन पे एफर्ट्स नहीं लगा पाता हूं, पर कोशिश रखता हूं कि अपकमिंग डेज में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सेगमेंट है उनको भी मैं आपके लिए बेहतर तरीके से करूंगा, और जो पावर सिस्टम का रिमेनिंग पार्ट है जिसके टच में मैं लंबे समय से नहीं हूं उनको भी मैं आपके लिए कराऊंगा, ताकि मुझे पता है कि बच्चे सीख कैसे रहे और सिखाने के लिए क्या क्या तरकीब की जरूरत होती है। उन सारी चीजों को मैं एक साथ लेके आपके साथ प्रेजेंट रहूंगा। सर ALP के बारे में, सो अभी मैं बातें कोर्स कुछ नया क्लास आया नहीं है क्या सर पेड कोर्स का कुछ? बिल्कुल पेड कोर्स पे अपडेटें होते रहती है चीजें। रही बात मैं बता देता हूं कि आपके जो अपकमिंग एग्जाम होंगी उनके बारे में बता देता हूं। यह सेशन स्पेशली इसी को लिए के लिए डेडिकेट था कि अभी आपके लिए अपकमिंग डेज में RRB के एग्जाम आने वाले हैं, है ना, उसके बाद SSC का एग्जाम आने वाला है और RRB में बंपर वैकेंसी भी है। सबसे पहले RRB JEE आएगा, उसके बाद ALP टेक्नीशियन भी आएगा। अगर इस लेवल पे पढ़ लेते हैं तो ALP टेक्नीशियन में बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। हाँ थोड़ा थोड़ा थियोरटिकल सेगमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, थियोरटिकल सेगमेंट को लेके चलना पड़ेगा, इनका ख्याल रहे आपको, ठीक है ना। तो चलिए ALP के लिए कॉन्सेप्ट यहां से बन जाएगा, पर थ्योरी वहां पे पूछता है, थ्योरी को भी पढ़ना पड़ेगा, एक बुक उठा लेना मार्केट से, वहां से काम चल जाएगा। RRB JEE की वैकेंसी सबसे पहले आएंगी, लेकिन उससे भी पहले अगर बात करें तो BHPSEL JEE बिहार के JEE इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भी भर्ती की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, तो आपको हर तरीके से तैयार रहने की जरूरत होगी। सर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल ITI इलेक्ट्रिशियन में डिफरेंस क्या है? सर ALP में डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और ITI इलेक्ट्रिशियन का ALP में डिफरेंस क्या है? नहीं, दोनों सेम पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। ALP के लिए
आईटीआई बच्चा हो तो आईटीआई क्या होता है, टेक्नीशियन में भी जा सकता है, एएलपी लोको पायलट में जाता है, जबकि बीटेक या डिप्लोमा वाले बच्चे सिर्फ किस में जाते हैं, एएलपी लोको पायलट में, वो टेक्नीशियन में नहीं जा सकते। लास्ट टाइम तो बीटेक वाले 80% घुसे गए थे, आप देखोगे एनालिसिस तो 80 या 85% बीटेक वाले खाली एएलपी में चले गए थे, है ना, आईटीआई वाले का कोई पोजिशन ही नहीं रहने दिया। तो आईटीआई वाले के लिए सेफ जगह इलेक्ट्रीशियन होता है, हालांकि अगर वो भी फाइट मारे तो एएलपी में आईटीआई वाला भी जा सकते हैं, बहुत टफ टास्क नहीं है क्योंकि वहां पे थ्योरेटिकल चीजों को भी स्टडी करना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सारी बातें हैं जो आपको अपकमिंग डेज में करना पड़ेगा, यानी अपकमिंग टारगेट आपके लिए टारगेट ही होना चाहिए, दैट इज आरआरबी जेई, ये वैकेंसी आने वाली है, एसएससी जेई चूंकि सेम सिलेबस है ना, बिहार बीएचपीएससीएल जेई बिहार होल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड का भी वैकेंसी आने वाला है, ओके, एएलपी टेक्नीशियन, एएलपी टेक्नीशियन की वैकेंसी आने वाली है, तो सभी में जरूरत होगा और ये सेशन आप सभी के लिए एक रामबाण सिद्ध होगा, ठीक है ना, तो आप लोग अच्छे से करेंगे। सर आपका कोर्स ज्वाइन करना है बट डिजिटल बोर्ड का एजुकेशन के साथ, सर आप मेरा डिजिटल पढ़ो या फिर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ो, एनिमेशंस उतने ही की गई है, चीजों को उतने ही बेहतर तरीके से समझा गया है। आप एक बार कभी मेरे व्हाइट बोर्ड वाला कंटेंट देखना, आपको लगेगा नहीं कि डिजिटल की दुनिया ना रहते हुए भी मैंने उस टाइम डिजिटल चीजों को ऐड किया था। आज से 3 साल पहले जब कोविड में ये डिजिटल बोर्ड आना शुरू हुआ, कोविड से ही मैंने उससे पहले चीजों को कंटेंट को ऐड करना शुरू किया था, ओके। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, बाकी आपको हर जगह, ये सिर्फ ऐसा नहीं है सर एसएससी की प्रिपरेशन करनी है, आप कराते हैं बिल्कुल, आप जाएंगे इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर, आप देख जाओगे कहां इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप पर, वहां पर आपको कंप्लीट कोर्स इलेक्ट्रिकल वाले के लिए खासकर चीजें हर चीज अवेलेबल होंगी। एक चीज मैं यहां पे और ऐड कर दूं, हमने अभी आज ही 100+ JEE के आज ही मैं लॉन्च करूंगा 100+ JEE एग्जाम्स के टेस्ट सीरीज आपको मैं लॉन्च करूंगा आज, टेस्ट सीरीज, ओके, जिसमें 100 से ज्यादा एग्जाम के टेस्ट सीरीज होगा, ऐसा मत समझना कि 100 टेस्ट सीरीज है, नहीं, 100 से ज्यादा एग्जाम के, जैसे कि आरआरबी जेई, एसएससी जेई, डीआरडीओ, है ना, बिहार के, मध्य प्रदेश के, महाराष्ट्र ट्रांस को, हिमाचल के, हर जगह के जेई के एग्जाम के 100 से ज्यादा प्लस जेई एग्जाम के टेस्ट सीरीज होंगे, और ये टेस्ट सीरीज होगा दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप, क्या होगा इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप, हमारे दो ऐप है, एक तो इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म मेन ऐप है, दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, और दूसरा जो मिलेगा आपको दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप, एक और ऐप मिलेगा आपको दैट इज इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म टेस्ट सीरीज ऐप, ओके, यहां पर 100 से ज्यादा एग्जाम के टेक्निकल के यूपीपीसीएल के भी मिलेंगे, बिल्कुल 100 से ज्यादा एग्जाम के टेस्ट सीरीज मिलेंगे, बायलैंग्वल हिंदी प्लस इंग्लिश, ओके, ये क्या होगा बायलैंग्वल होगा, यानी हिंदी प्लस इंग्लिश भी होगा। इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म पे कंप्लीट कोर्स मिलेंगे आपको। यहां पे आपको क्या मिलता है जी, वीडियो कोर्स। इसके अंदर हम टेस्ट जो है ऐड करने वाले, टेस्ट सीरीज यहां भी हम ऐड करने वाले हैं, कुछ प्रैक्टिस के लिए वो फ्री टेस्ट होगा, ये कंप्लीट एक पैकेज है। प्लस इसमें भी क्या करोगे, इस प्लेटफॉर्म से भी अगर एक ही ऐप आपने डाउनलोड किया है और इसी से आप टेस्ट सीरीज में जाना चाहते हैं, तो इसी ऐप में साइड में कभी जाना आप साइड में, जब आप इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म का टेस्ट सीरीज आप में जाना चाहते हैं मेन चैनल से, मेन ऐप से, इसी ऐप से, तो साइड में देखना 3 डॉटेड लाइन होगा, उसको जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा टेस्ट, और जैसे ही टेस्ट को क्लिक करोगे तब भी आप इस ऐप पर, मतलब ऐप पर नहीं जाना, तब भी वो वेब पोर्टल पे चला जाएगा और वहां से आप अपना टेस्ट आराम से दे सकते हो। सो एक ऐप डाउनलोड करते हुए भी आप इस टेस्ट कोड के पास जा सकते हो, इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करना है, 3 डॉटेड लाइन पे जाना है, वहां से टेस्ट को क्लिक करना है, टेस्ट पे क्लिक करते ही आप उस टेस्ट पे चले जाएंगे। 100 से ज्यादा जेई एग्जाम्स की टेस्ट की प्रिपरेशन के लिए हमने वहां पे कंटेंट रखा है, पूरे इंडिया लेवल पे आपके वहां पे टेस्ट सीरीज के रैंक बनेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में मिलेगा, जेई के जितने भी टेक्निकल जेई के एग्जाम होते हैं सारे जेई के एग्जाम्स के कॉन्टेंट वहां पे टेस्ट सीरीज के रूप में आपको मिलेगा।
सर न्यू पेड कोर्स दीजिए सर एनिमेशन के साथ, बिल्कुल जी बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, है ना सर। जेई और एएलपी के सिलेबस सेम होता है जी? नहीं, जेई का सिलेबस थोड़ा एडवांस होता है, एएलपी का थोड़ा लो लेवल का रहता है। इसकी लगातार स्ट्रेटजी मैं आप लोग को देता रहता हूं, अगर आप लोग को पता होगा तो, है ना। चलिए, तो आई होप सो मैं जितनी भी बातों को बोला हूं यहां पर आप लोगों ने सुना है, प्रॉपरली चीजों को देखा है। हमारे पढ़ने का तरीका आप लोग को बिल्कुल आनंद आएगा, मजे में पढ़ोगे, पूरे चीजों को चिल करते हुए पढ़ेंगे। डेली एक घंटा निकालिए इंजीनियर्स प्लेटफॉर्म, दैट इज जहां पे मैं आप लोगों के लिए कॉन्टेंट प्रोवाइड करूंगा। एक घंटा से डेढ़ घंटा का भी वक्त लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे हमने मशीन एक ग्रंथ में पार्ट वन में किया था वही पार्ट टू में करने जा रहे हैं। और ऐसी तरीके से आपने देखा होगा मेजरमेंट एक यंत्र के रूप में भी हमने 15 लेक्चर का एक पार्ट दिया था। मेजरमेंट एक यंत्र का दूसरा पार्ट भी आएगा जिसमें हम क्या करेंगे, वहां पे फर्स्ट पार्ट पढ़ लिए हैं, सेकंड पार्ट हमने क्या करना है फिर से स्टार्ट करना है, जो कि पावर मेजरमेंट से चीजें वहां पे क्लास स्टार्ट आगे चलेंगे, या फिर मूविंग आयरन में से तक टॉपिक हुआ था, या फिर अगर वहां वो कंप्लीट है तो पावर मेजरमेंट से हम आगे बढ़ेंगे और मेजरमेंट को भी हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप सो चीजों को आप एंजॉय करेंगे, पर कोशिश करिएगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग लाइव रहने का, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मैं अच्छे तरीके से डील करूंगा। हालांकि एक भी बच्चा ना हो, अगर मैंने ठान लिया पढ़ाना है तब भी मैं पढ़ाता जाऊंगा बेशक, लेकिन कोशिश करिए कि आपकी प्रेजेंस हो जिससे कि मुझे भी पढ़ाने में मजा आएगा। ओके, चलिए। सौ जेई के टेस्ट सीरीज का सॉल्यूशन वीडियो मिलेगा क्या? नहीं, वो वहीं पे सॉल्यूशन मिलेगा, वो अगर आपने टेस्ट दिया और इंडिया लेवल पे रैंक बनेगा, साथ के साथ वहीं पे जो क्वेश्चन आपने बनाया उसके सॉल्यूशन भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वहां पे सॉल्यूशन भी मिलेंगे, आंसर की भी मिलेंगे, और पूरे इंडिया पे क्या रैंक बन रहा है आपका ये भी मिलेगा। सर प्लीज आरआरबी जेई का ऑफ लेंस सेट चालू करिए। ओके एसकेजी, ओके जरूर होगी अपकमिंग डेज में, अगर आपकी ऐसी कुछ नीड है। हालांकि बहुत बच्चे की क्वेरीज है लगातार सर, ऑफलाइन के रूप में चीजों को काम करिए, पर अपकमिंग डेज में हम ऐसा देख रहे हैं कि क्या बेहतर हो पाएगा, हम उसके लिए करते हैं, क्योंकि मुझे ऑनलाइन से ही वक्त नहीं मिल पाता। अगर आपको पता होना चाहिए मेरे डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं भर दिन ऑनलाइन ही करता हूं, और ऑनलाइन के कारण इतना वक्त फिर नहीं मिल पाता कि ऑफलाइन में बहुत ज्यादा वक्त दे पाऊं, लेकिन मेरी कोशिश होगी कभी दो घंटे का भी समय अगर बचे तो हम ऑफलाइन के लिए आप लोग के लिए जरूर कोशिश करेंगे। ओके चलिए, ठीक है, फिर आज के सेशन को यहीं पे रखते हैं। कल से ध्यान रखना, कल से यानी आज तो हमने पूरा इंट्रोड्यूस किया कैसे पढ़ा था, क्या पढ़ना है और आगे किस तरीके से पढ़ेंगे। कल से ये लेक्चर नंबर, आज तो लेक्चर नंबर 1 हो गया, कल से लेक्चर नंबर चलेगा 2। कल से क्या चलेगा जी, लेक्चर नंबर 2, जिसकी टाइमिंग होगी 11 बजे सुबह में, सर्दी का टाइम है। पहले 10 बजे होता था तो कहता था सर अभी सुत के नहीं उठे हैं, सो के ही नहीं उठे, अब मौका है सो के उठने का, कुछ कर गुजरने का, एक इम्तिहान है आपको लिए, क्योंकि पढ़ेंगे तभी कुछ कर पाएंगे, है ना। तो आपको करना होगा इसके लिए अच्छे काम, मेहनत करने होंगे, सुबह से नहा धो के आप लोग तैयार रहिएगा और पढ़ेंगे फिर से मशीन एक ग्रंथ। नाम इसीलिए दिया है कि छोटा नहीं है, एक काफी बड़ा हिस्सा है, इसको अच्छे से आपको करने की जरूरत होगी, ठीक है। तो होप सो कि हम सभी मिलेंगे फिर कल, जिसकी टाइमिंग होगी 11:05 पर, है ना, और फिर हम कंटिन्यू सेशन की शुरुआत करते रहेंगे, है ना। जो जीता वही सिकंदर, जो हरा वो बंदर, ऐसे कहने के लिए लोग कहते हैं। सो अपन मेहनत करते रहेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ हासिल होगा, ओके, नहीं तो वही वाली बात, एक नाम के लाखों इंसान। चलिए, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान, वरना एक नाम के लाखों इंसान, तो कुछ अलग करना है तो कुछ मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसी बात के साथ आज के सेशन को करते हैं खत्म, कल हम मिलते हैं आपके साथ लाइव 11:05 पर। कोई क्वेरी है तो देख लो, वरना फिर मैं जाता हूं, फिर मिलते हैं कल 11:05 पर, मशीन एक ग्रंथ का डीसी मशीन पहला लेक्चर बेहतरीन तरीके से आपके साथ शामिल होगा, प्रेजेंट होगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। चलिए, थैंक यू।